मोटर चल चुकी है, प्रेशर देखिए यहाँ पर एक हाथ से रुक नहीं रहा है, दोनों हाथों से कोशिश करते हैं तो दोनों हाथ से भी नहीं रुक रहा है, ऑफ करते हैं मोटर को। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे पास है रिपेयर के लिए लूबी कंपनी का सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप, बहुत ही कमाल का मोनोब्लॉक पंप है। बाकी ये इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है तकरीबन 3-4 साल से रखा था और इसको यूज नहीं किया है। तो आज की वीडियो में इस मोनोब्लॉक को हम चालू करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से खोलना है, किस तरह से इसको ठीक करना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोनोब्लॉक की रिपेयरिंग। सबसे पहले तो मोटर का मॉडल देखिए, यहाँ पर लूबी इसका ब्रांड है सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप और मॉडल है इसका यहाँ पर दोस्तों MDL2TEFC इसका मॉडल है। किलोवाट HP है 0.37 0.50, आधा HP का मोनोब्लॉक है। स्पीड है 1440 RPM और यहाँ पर करंट का लोड है 5.5 एम्पियर और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कैपेसिटर 8000 और 10 UF का कैपेसिटर है। और नीचे देखिए लूबी इंडस्ट्रीज LLP अहमदाबाद का ये ब्रांड है और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पंप शुड नॉट बी रन विदाउट वाटर, तो सूखा कभी नहीं चलाना है मोनोब्लॉक को, इसका तो आपको ध्यान रखना ही है। अब चालू करते हैं मोटर की टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो मोटर का ये जो फैन कवर है पीछे वाला इसको खोल लेते हैं, उसके बाद मोटर को चेक करेंगे। मोटर जाम तो नहीं है, तो यहाँ पर ये फैन कवर खुल गया है, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई है तो रिपेयरिंग करने से पहले सफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। अब आ गया है हमारा टेस्टिंग बोर्ड, अब यहाँ पर मोटर की टेस्टिंग करेंगे सीरीज से। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है आ रही है कंटिन्यूटी, मोटर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे मोटर के दोनों लीड के ऊपर, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी तो मोटर की आ रही है। अर्थिंग चेक करेंगे तो अर्थिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मोटर बिल्कुल ठीक है वैसे तो टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग लीड यहाँ पर ज्वाइंट कर लेते हैं, मोटर को एक बार चलाकर चेक करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पानी भर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पानी तो लीक कर रहा है, हेड से देख पा रहे हैं नीचे की तरफ से, यहाँ से पहले भी जंग आया हुआ है नीचे। तो चलिए एक बार मोटर को चलाकर भी चेक कर लेते हैं। मोटर तो चल चुका है, मोटर आराम से घूम रहा है, बाकी हेड लीक कर रहा है यहाँ से, मोटर वैसे बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऑफ करते हैं मोटर को। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 15 नंबर का स्पैनर लेंगे और यहाँ पर हेड के जो स्टड बोल्ट हैं इनको खोल लेते हैं सबसे पहले तो फटाफट से, क्योंकि मोटर वैसे तो बिल्कुल ठीक चल रही है, हेड में ही हमें चेक करना पड़ेगा। हेड के सभी पार्ट चेक करेंगे खोलने के बाद में। तो यहाँ पर 4 ही स्टड हैं इसमें, मोटर काफ़ी हैवी है, कास्टिंग भी काफ़ी हैवी लगी हुई है, ऐसे ही मॉडल की दोस्तों क्रोमटन के अंदर भी मोटर आती है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्किंग कर लेंगे, मार्कर से हेड के ऊपर एक लाइन बना लिया है ताकि पार्ट का पता रहे कौन सा पार्ट कैसे लग रहा था। अब यहाँ पर ये ब्लॉक निकाल देंगे आगे वाला, तो ये निकल गया है ब्लॉक हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर मार्किंग हमने कर दिया था इसको ताकि ये इधर उधर नहीं हो पार्ट, बाकी देख लेंगे। तो यहाँ से ये लीक कर रहा है तो इसको तो रखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये एक पैकिंग यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ से भी लीक कर रहा है। तो एम्पलर को निकालने के लिए यहाँ पर 3 लेग के पूलर का हम यूज करेंगे। तो ये देखिए जो पूलर है हमारा, ये व्हील लगा दिया है ताकि इसकी लेग ये खुलेंगी नहीं और इस तरह से ये आराम से जो कूलर है हमारा नीचे के पार्ट सहित निकल जाएगा। ये देखिए बिना ठोके पीटे आराम से जो एम्पलर है निकल गया है, इस तरह से कोई बैंड वगैरह होने का भी डर नहीं रहता है शाफ्ट में भी और एम्पलर में भी। तो यहाँ से चेक कर लेंगे तो ये हल्का सा ही कटा हुआ है, ज़्यादा नहीं कट रहा है कास्टिंग। और नीचे की तरफ से ये देखिए जो पैकिंग है पूरी गल गई है, तो इसको पूरा साफ़ कर लेंगे कुरच के। तो ये जो कागज़ वाली पैकिंग होती है तो ये पूरी यहाँ से गल गई थी, तो ये हमने साफ़ कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हेड की हालत देखिए आप, अंदर की तरफ से इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह लगी हुई है और रस्ट भी है, तो इसको भी पूरा साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा हेड का जो ब्लॉक है मेन, वो ठीक हो गया है, साफ़ हो गया है। अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर भी एक पैकिंग है, तो इसको भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। सफाई यदि प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो मोटर के अंदर दोस्तों लीकेज बंद नहीं होगा, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये पार्ट क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके फेस पर भी थोड़ा सा पैकिंग चिपका हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा जो पेपर का पैकिंग है निकाल दिया है। तो दोस्तों ये पार्ट है जो ये यहाँ से अलग करना पड़ेगा, इसके बीच में भी यहाँ पर पैकिंग लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी हालत भी आप देख पा रहे हैं, तो इसको भी पूरा यहाँ से साफ़ करना पड़ेगा। इस पर भी पैकिंग चिपकी हुई है देख पा रहे हैं, और अंदर से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रस्ट जमा हुआ है, मोटर रखी हुई थी। तो ये दोस्तों यहाँ से भी साफ़ करना पड़ेगा, ये जो पार्ट हमने हटाया था तो इसके ऊपर भी यहाँ पर पैकिंग चिपकी हुई है।
तो दोस्तों इस मोटर के अंदर तीन पैकिंग का यूज़ होता है, तो यहाँ पर सभी को हमने कुरच के साफ कर लिया है। अब इसकी वॉशिंग करेंगे, तो ये देखिए सभी पार्ट की वॉशिंग कर लेंगे। तो ये हमारी वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो ये पार्ट तो रखते हैं इधर, और ये जो हेड का ब्लॉक है इसको भी इधर रखते हैं। अब मोटर का जो हेड है ब्लॉक, इसको भी साफ कर देते हैं वॉश करके। अब यहाँ पर सफाई कर लेंगे काउंटर की, फिटिंग करने से पहले पूरा ड्राई कर देंगे, साफ कर देंगे। अब चेक करेंगे मोटर का हेड और एम्पलर, तो यहाँ पर एम्पलर को रखेंगे दोनों पार्ट के बीच में, और प्रेशर के लिए चेक करेंगे मोटर का हेड का गैप। तो बिल्कुल भी एम्पलर नहीं बज रहा है, देखिए बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, पैकिंग पूरा साफ़ करने के बाद में बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। तो प्रेशर तो फर्स्ट क्लास आ जाएगा, मशीनिंग वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब करते हैं फिटिंग स्टार्ट। तो उससे पहले यहाँ पर ये जो फ्लेंच है सक्शन वाला, इसको खोल लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे कोई कचरा वगैरह कुछ है तो नहीं, और इसमें जाली होती है तो वो भी देख लेंगे। तो इसमें जाली तो नहीं है, पूरा जाली यहाँ से निकला हुआ है। ये फ्लेंच का सील हम चेंज कर देंगे, जाली वाला लगाएंगे, इससे मोटर में कचरा भी नहीं जाएगा। अब बनाएंगे दोस्तों हेड की पैकिंग, तो एक पैकिंग यहाँ पर लगेगी और ये हमारी बनेगी कागज़ से। तो ये देखिए यहाँ पर 10 नंबर का जो पैकिंग पेपर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और ये कट भी जाएगा तो ये पीस काट लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहेगा। तो फटाफट से कटिंग कर लेते हैं, तो ये देखिए अंदर से भी कट कर लेते हैं। तो पेपर आपको वेस्ट नहीं करना है, एक पैकिंग तो हमारी तैयार हो गई है, अभी इसमें से एक पैकिंग और बन जाएगी, इसी साइज़ की हमें एक पैकिंग और चाहिए। तो ये हमारी दो पैकिंग तैयार हो चुकी हैं, और इसको तो रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर दोस्तों एक पैकिंग बनेगी जो इस पीस में से ही बना देंगे, इसके बीच में से ये बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं। तो टोटल इस हेड के अंदर तीन पैकिंग लगने वाली है, तो ये देखिए यहाँ पर तीनों पैकिंग हमारी तैयार होगी हैं। तो फिटिंग करेंगे, उससे पहले पूरा सामान साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पार्ट सबसे पहले लगेगा। तो इसमें दोस्तों दो पॉइंट हैं, ये देखिए ये दो पॉइंट हैं और ये दो बोल्ट के कट हैं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए ये पार्ट आपका ऐसे लगने वाला है, ये वाला पॉइंट सीधा ऊपर रहेगा और एक पॉइंट इसका आएगा आपका राइट हैंड की तरफ। तो ये देखिए आपको ऐसे लगाना है इस पार्ट को। तो आपने यदि इसको गलत लगा दिया तो मोटर के अंदर प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पैकिंग ले लेते हैं और पैकिंग के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ग्रीस का, इससे जो पैकिंग है हमारी वाटरप्रूफ हो जाएगी और अच्छे से पार्ट के ऊपर भी यहाँ पर चिपक के सेट हो जाएगी, इधर उधर बिल्कुल नहीं भागेगी। तो ये पहली पैकिंग लग चुकी है, यहाँ पर मोटर का हेड थोड़ा ऊँचा कर लेता हूँ मैं। अब ये देखिए ये पार्ट आपको इस तरीके से लगाना है, ध्यान रखना है एक पॉइंट ऊपर रहेगा और एक राइट हैंड की तरफ रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमारा जो टेंडी मॉडल आता है क्रोमटन का, उसमें भी पार्ट ऐसे ही आते हैं। तो ये दूसरा पैकिंग लेंगे, ये हमारा छोटे वाला पैकिंग है जो हेड एम्पलर के पास रहेगा। तो ये पैकिंग हमारा यहाँ पर लग गया है, अब लगाएंगे एम्पलर। तो एम्पलर को उल्टा सीधा ध्यान रखना है, बाकी ये उल्टा लग ही नहीं पाएगा, उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, ये अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो चलिए ये उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर चाबी को मैच करके सीधा डाल देंगे। तो ये तो दोस्तों ज़्यादा मतलब टाइट नहीं है, हाथ से ही सेट हो गया है, बाकी पूरा अंदर दबा के चेक कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिक्स करना ज़रूरी है, थोड़ा सा फेविकिक का एक बूंद डाल देंगे, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अब लगेगा एम्पलर के आगे वाला पार्ट। तो इस पार्ट में भी दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट हैं, देख पा रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये है। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको ऊपर की तरफ रखना है, बिल्कुल पीछे वाला जो पार्ट है उससे मैच करके यहाँ पर सीधा रखना है ऊपर की तरफ, और ये वाला पॉइंट रखना है लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ। बाकी ये पहले लगा हुआ था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है इसको, तो ये इस तरीके से लगा हुआ था, तो मोटर में प्रेशर भी नहीं आ रहा होगा, किसी ने गलत लगाया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ था, हमने मार्किंग कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट को गलत नहीं लगाना है, इसको हम ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए नीचे वाले पार्ट का राइट हैंड और ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड, और बीच बीच के ऊपर रहेंगे दोनों के। तो ये पैकिंग लगा दिया हमने लास्ट वाला, तो ये सामने वाला ब्लॉक लगा दिया है, हल्का सा ठोकना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा मोटर का हेड कंप्लीट सेट हो गया है, और यहाँ पर स्टड बोल्ट लगा देते हैं। सभी बोल्ट के अंदर ग्रीस का अप्लाई करेंगे ताकि ये जाम नहीं होंगे। चारों के चारों स्टड बोल्ट यहाँ पर टाइट कर लेते हैं डबल चाबी स्पैनर से। तो इनको बिल्कुल बराबर बराबर टाइट करना है, और फुल टाइट करो उस टाइम ध्यान रखना है, आमने सामने क्रॉस में टाइट करना है, मोटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये पैकिंग हम चेंज करेंगे, इसकी जगह ये जाली वाला लगाएंगे, इससे क्या है कि मोटर के अंदर कचरा नहीं जाएगा, मोटर जाम नहीं होगी। तो ये हमने लगा दिया है फ्लेंच का बोल्ट,
और ये पैकिंग हमने नया सेट कर दिया है, इसको भी यहाँ पर पूरा टाइट कर देंगे ताकि एयर वगैरह नहीं लेगी मोटर यहाँ से। तो अब मोटर की टेस्टिंग करेंगे, उससे पहले यहाँ पर घुमाकर चेक कर लेंगे। तो मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फैन कवर लगा देते हैं, तो मोटर के अंदर फैन और फैन कवर होना भी काफ़ी ज़रूरी है, उससे मोटर हीट नहीं होती है। अब मोटर को चलाकर चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर टेस्टिंग लीड ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद मोटर को चलाकर प्रेशर चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये हमने लगा दिया है टेस्टिंग लीड बोर्ड के अंदर, और यहाँ से पानी भर लेंगे मोटर को चलाने से पहले। और ये हमने लगा दिया है पाइप सक्शन वाला, और ये लगा दिया है फ्लो वाला पाइप। मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो ये मोटर चल चुकी है, और ये अब देखिए प्रेशर मोटर का। तो मोटर का प्रेशर बहुत ही दमदार आ रहा है, देख पा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर को रोक कर चेक करते हैं, तो एक हाथ से तो नहीं रुक रहा है, प्रेशर काफ़ी शानदार आ रहा है। मुझे तो इसका प्रेशर टैक्समो DMS 2 से भी ज़्यादा लग रहा है। मोटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास नए की तरह चल रही है। चलिए ऑफ करते हैं मोटर को, मोटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुकी है। चलिए टेस्टिंग पाइप हटा लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो दोस्तों मोनोब्लॉक बहुत ही फर्स्ट क्लास से प्रेशर दे रहा है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसमें अंदर हेड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इसकी हेड की पैकिंग ख़राब हो रखी थी और हेड की सेटिंग भी ठीक नहीं थी। हमने इसका हेड दोबारा से सेट कर दिया है और तीनों पैकिंग इसकी नई लगा दी है। और जो इसकी फ्रेंच की पैकिंग थी हमने जाली वाली लगा दी है, इससे क्या है कि इसमें कचरा नहीं जाएगा और मोटर जाम नहीं होगी। मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, प्रेशर काफ़ी शानदार आ रहा है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।